हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वी फिल्मी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 3 हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज़, जो कि हिंदी डब में यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो चुकी हैं। इन सभी मूवीज़ में आपको डर का एक अलग लेवल देखने को मिलेगा और मिस्ट्री और थ्रिलर की भी कमी फील नहीं होगी। ये सभी मूवीज़ आपको एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डरावनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले काउंटर नंबर 3 पर आती है साल 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही नेल बाइटिंग हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री मूवी द लॉर्ड। फ्रेंड्स, ये एक सुपर्ब मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की डिसेंट रेटिंग्स मिली हैं और 60% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को लाइक किया गया है। मूवी में लीड रोल निभाते हमें नजर आते हैं रिले, जियाडन मार्टल, एलिशिया सिल्वरस्टोन और रिचर्ड आर्मिटेज जैसे और भी कई सारे फेमस एक्टर्स। मूवी की बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है एक खुशहाल परिवार के साथ, जिसमें मिया और एडन नाम के दो बच्चे हैं। इनकी माँ अपने में गुमसुम सी रहती है। दरअसल वो अपनी शादी से खुश नहीं है और खुदकुशी कर लेती है। जब उसकी मौत को 6 महीने बीत जाते हैं, तब मिया और एडन के पिता उन दोनों को अपनी प्रेमिका के लॉज में छुट्टी मनाने के लिए ले जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लॉज में कुछ रहस्यमय गतिविधियां होने शुरू हो जाती हैं। अब कौन है इन सबके पीछे और क्या है राज इस लॉज का, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर मूवी है जो आप जरूर लाइक करेंगे। ये मूवी हिंदी डब में YouTube पर अवेलेबल है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वी फिल्मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के जरिए ही हम आपसे रोज मिलते हैं और हमें आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, काउंटर नंबर 2 पर आती है साल 2013 में आई एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग हॉलीवुड हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2। ये एक हिलाकर रख देने वाली मूवी है फ्रेंड्स, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की काफी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं और 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। मूवी में अपनी डैशिंग एक्टिंग के साथ हमें नजर आते हैं जेमा येवर, अलेक्जेंडर और मैरी स्टॉकली जैसे और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी न्यूयॉर्क की एक मशहूर मॉडल केटी कार्टर के इर्द गिर्द घूमती है। सब अच्छा चल रहा होता है कि अचानक एक दिन उसके एक फोटोशूट को मना करने पर इवान भड़क जाता है और उसे भला बुरा कहता है। पर केटी के जवाब देने पर उसका गुस्सा हद से पार हो जाता है और वो केटी का रेप करता है। कहानी आगे केटी द्वारा लिए गए बदले पर बेस्ड है कि कैसे वो अपना बदला लेने की शानदार कॉन्स्पिरेसी करती है। फ्रेंड्स, ये एक हिलाकर रख देने वाली मूवी है जिसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और जल्दी से इसे YouTube पर हिंदी डब में देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब फ्रेंड्स, फाइनली काउंटर नंबर 1 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री एक्शन मूवी अलोन। ये बिल्कुल भी अलोन देखने वाली मूवी नहीं है फ्रेंड्स, ये हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की अमेजिंग रेटिंग्स मिली हैं और 72% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। मूवी में शानदार एक्टिंग के साथ हमें नजर आते हैं जूल्स, एंथनी, ब्रिट बैरन और जोनाथन जैसे और भी कई सारे सुपर्ब एक्टर्स। बात करें मूवी की कहानी की, तो कहानी में जेसिका नाम की एक विधवा औरत को दिखाया गया है जो रोड ट्रिप पर निकलती है और अचानक एक अनजान और अजीब से दिखने वाला आदमी उसका लगातार पीछा करता है। उसकी कार टायर फटने की वजह से डिवाइडर से टकरा जाती है और वो आदमी जबरदस्ती जेसिका को ड्रग्स देकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन कहानी एक नया मोड़ लेती है जब ये अनजान आदमी एक साइको किलर के रूप में सामने आता है। उसका मकसद ही लड़कियों का बेरहमी से मर्डर करना होता है। अब क्या जेसिका उसका अगला शिकार बनेगी या फिर वो योजना बनाकर साइको किलर के चंगुल से बच जाएगी, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फ्रेंड्स, ये एक डू नॉट मिस मूवी है जिसे आप बार बार देखना भी पसंद करेंगे। फिलहाल ये मूवी हिंदी डब में अवेलेबल है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देते रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।